हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों को फिर स्वागत कर रही हूँ औंधनागनाथ ज्योतिर्लिंग से, जो महाराष्ट्र के हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये भी एक ज्योतिर्लिंग है भगवान शिव का। ये मंदिर 1300 शताब्दी में यादव डायनेस्टी के राज्य में बनाया गया था और औंधनागनाथ के इतिहास और महत्व काफ़ी प्रसिद्ध है। और कहा जाता है कि ये मंदिर का निर्माण रावण ने किया था। रावण ने अपने मातृभक्ति को प्रसिद्ध करने के लिए यहाँ भगवान शिव की आराधना की। ये मंदिर अपने पुराने प्राचीन वास्तुकला और शिल्प के लिए जाने जाते हैं। ये मंदिर आप लोग महाराष्ट्र से भी जा सकते हो, मुंबई से डायरेक्ट भी जा सकते हो, या आप औरंगाबाद आके औरंगाबाद से फिर हिंगोली डिस्ट्रिक्ट ट्रेन से भी जा सकते हो और बस से भी जा सकते हो, गाड़ी भी भाड़ा कर सकते हो। करके यहाँ पहुँचना पड़ेगा आपको, पहुँच के आपको या फिर VIP पास लेना पड़ेगा जो 500 पर हेड लेते हैं। अदरवाइज आप नॉर्मल लाइन में भी आ सकते हो। शिवरात्रि वगैरह नहीं रहने से नॉर्मल एक घंटा के अंदर ही दर्शन हो जाएगा। यहाँ बहुत सारा पांडा भी है, जिसका नंबर आप लोगों को चाहिए तो मुझे मैसेज करना, मैं दे दूँगी। और इसमें आप लोग पांडा को ऑलरेडी बुक कर लेने से क्या होगा, उन लोग आप लोगों को अंदर ले जाके गर्भगृह में जो पूजा करवा देगा। ये मंदिर औरंगजेब ने टूटा दिया था, इसीलिए इसको छुपाने के लिए ये नीचे जाने वाला मंदिर का जो शिवलिंग है उसको छुपाने के लिए नीचे बना लिया था, और अहल्याबाई होलकर जी ने इसको बाद में रिनोवेट किया था। और फिर हम लोग पूजा करके घर में आ गए थे, मतलब होटल में आने के बाद हम लोग महाराष्ट्रीयन थाली का मजा ले रहे थे, बहुत टेस्टी एंड डिलीशियस था। इसके बाद हम लोग चले गए थे पारली बैजनाथ के लिए। पारली बैजनाथ में जाके ये अन्नपूर्णा ट्रस्ट है जहाँ ये सबको खाना खिलाता है, और आप लोग यहाँ पे दान पुण्य करके भी खा सकते हो या फ्री में भी खा सकते हो। आपका कोई नहीं बोलेगा कि आप फ्री में नहीं खा सकते, लेकिन आपका मन हुआ तो आप 100, 500, 200, 50 रुपये भी दे सकते हो। यहाँ बहुत अच्छा खाने का व्यवस्था है। पारली बैजनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग है जो कि महाराष्ट्र के बीड डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग माना जाता है जो भगवान शिव जी को समर्पित है। ये मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है और कहा जाता है ये मंदिर द्वापर युग में पांडवों द्वारा बनाया गया था। महाभारत के अनुसार पांडव जब वनवास में थे तब उन्होंने यहाँ तपस्या की थी। इस मंदिर का पुनरोद्धार रानी अहल्याबाई होलकर जी ने 18वें शताब्दी में करवाया था। पारली बैजनाथ मंदिर को वैद्यनाथ भी कहा जाता है। भगवान शिव के रूप डॉक्टर को ये दर्शाता है। पारली बैजनाथ आप औंधनागनाथ से आ सकते हो। औंधनागनाथ से पारली बैजनाथ हम लोग गाड़ी भाड़ा किए थे। गाड़ी भाड़ा करके हम लोग डायरेक्ट औंधनागनाथ से पारली बैजनाथ आ गए थे। लगभग हम लोगों को 4500 भाड़ा पड़ा था। हम लोग ने डिज़ायर भाड़ा किया था। आप लोग वहाँ से महाराष्ट्र कॉरपोरेशन का बस में भी आ सकते हो या ट्रेन भी है। तो आने के बाद हम लोग यहाँ पे शाम को भी दर्शन किए। यहाँ दर्शन करने के लिए कोई भी VIP पास हम लोगों ने नहीं लिया, आप लोग ले भी सकते हो। और ये रहा आपका जो आप लोग वो ज्योतिर्लिंग में आप लोग रुद्राभिषेक करेंगे उसका पास बनाया था मैंने, जो कि 20 रुपीज़ ही लेता है सिर्फ। फिर पांडा को अपने अनुसार आपको पैसा देना पड़ेगा और आपको अपना रुद्राभिषेक का सामान दूध वगैरह खरीदना पड़ेगा। और ये रहा अन्नपूर्णा ट्रस्ट का ऑफिस, जहाँ ही पारली बैजनाथ में सबसे अच्छा खाना मिलता है, वो भी बहुत अच्छा से उन लोग बहुत भक्ति से सर्व करते हैं, और आप लोग अपना दान पुण्य कर सकते हो। यहाँ दर्शन हम लोगों का 2 बार हुआ, रात को भी हुआ, सुबह भी हुआ, फिर दोपहर को भी हुआ। बहुत अच्छा जगह है और बहुत अच्छे से हम लोगों का पास ज्योतिर्लिंग का दर्शन अच्छे से हो गया था ऑलरेडी, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। हर हर महादेव। और उसके बाद हम लोग यहाँ से दर्शन करने के बाद शाम को फिर होटल चेक इन कर लिए थे। करने के बाद ये देखिए हम लोग फिर शाम को देखने आ गए थे, क्योंकि जब वहाँ पे ही रहना है तो बार बार बाबा जी का दर्शन करना है। तो हम लोग फिर आ गए थे शाम को भी दर्शन करने के लिए। और शाम को जब श्रृंगार हो जाता है बाबा का तो बहुत और भी अच्छा दिखता है, लेकिन अंदर वीडियो करने नहीं देता है। ये देखिए इमली का पेड़ बहुत बड़ा लगा हुआ था वहाँ पे, और ये जो आकाशदीप देता है वो जगह, ये शाम का माहौल है वहाँ पे। यहाँ पे पानी का व्यवस्था है, प्रसाद का भी व्यवस्था है। प्रसाद ऑलरेडी बच चुका था, प्रसाद भी देता है, फ्री में भी देता है, और अगर आप टिकट लेंगे तब भी देता है आपको। तो बार बार दर्शन करने का मज़ा ही अलग होता है, क्योंकि कब आप भगवान फिर बुलाए इसका कोई ठीक नहीं है।
तो ये अंदर का देखिए, अंदर का काठ का सब बनाया हुआ है, लकड़ी का बहुत अच्छा कारीगरी है। और ये नीचे नंदी भगवान विराजमान है, जिनको ग्रिल से ढक दिया, ग्रिल से वो कर दिया है। यहाँ का नंदी भगवान का एक कान नहीं है और एक कान ही सिर्फ नंदी भगवान जी का है। यहाँ आप लोग बहुत ध्यान से बैठ सकते हो, बहुत अच्छा है यहाँ का परिवेश। और पार्ली वैद्यनाथ से हम लोग फिर पुणे के लिए निकल चुके थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।